नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सीएम आदेशों के बावजूद सिंचाई विभाग की लापरवाही से गांव की कई सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई इस लापरवाही के बारे में जब एसडीएम रादौर कंवर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जिन भी अधिकारियों की इस मामले में लापरवाही सामने आई है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही नहर के ओवरफ्लो होने की सूचना मिली थी, तभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया था। ज्ञान में आया जो हमारा राक्षी नाला है और जो चौतंग नाला है, उसमें कहीं कहीं जगहों पे जल भराव की समस्या आई है। आजू बाजू में प्राकृतिक जो तटबंध हैं, उनके ऊपर से भी पानी बहने की खबर मेरे पास आई है। तो संबंधित जो एसडीओ इरिगेशन हैं और संबंधित जो कर्मचारी हैं, उनको आदेश दे दिए गए हैं। वो मौके पर पहुंच भी गए हैं और मेरी एक्शन इरिगेशन से भी बात हुई है। उन्होंने जो इसका जो चौतंग नाला है, उसका पानी रक्सी में डाइवर्ट होता है, वो डाइवर्ट करने के लिए गेट खुलवाने के लिए भी बोल दिया। तो जल्द ही ये पानी उतर जाएगा और जो भी गांव की तरफ पानी गया है, उसको भी वापस उसी नाले में ड्रेन में डाल दिया जाएगा, तो ये समस्या जल्दी सुलझ जाएगी। इस संबंध में डीसी महोदय द्वारा भी बैठक ली गई थी और समय समय पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीओ साहब द्वारा भी मीटिंग्स ली गई थी। इसमें इरिगेशन विभाग द्वारा और म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा ये आश्वासन दिलाया गया था कि उनके सभी नाले नदियों की सफाई पूरी तरह जोरों पे और लगभग खत्म हो चुकी है। अगर किसी ने इस तरह की कोई लापरवाही बरती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। ऐसा है जी, कागजों में ही सिर्फ ये दिखावा है नहर महकमे का। खेड़ी लखा सिंह सिर्फ आधे किलोमीटर की खूब सफाई करी, बाकी सारा जो है ना, मतलब खेड़ी लखा सिंह से लेकर सारा समुद्र सोग भरा पड़ा है इसमें, और सारी झाड़ियाँ वगैरह हैं। यहाँ इतना नुकसान हो गया, कम से कम 500 किलो, ये 50 एकड़ के करीब ये फसल सारी बर्बाद होगी और 8-8 फुट तक पानी चढ़ गया। ये अगर पानी की निकासी अगर सही हो तो ये फसल खराब ना होती। ये सारा प्रशासन ने देखना चाहिए, इसके ऊपर सारा गौर करनी चाहिए। नहर महकमा सिर्फ वहाँ बैठे बैठे, यहाँ JBC बेज रखी नाम के नाम से है, बाकी मजदूर दिखावा है यहाँ, और इसके बारे में मतलब सही ढंग से काम नहीं हो रहा नहर महकमे का। इन्होंने मतलब ये जो नुकसान होया, सरकार ने इसकी भरपाई करनी चाहिए। ये लोगों ने सब ठेके पे ले रखे, गरीब आदमी है और इनकी भरपाई होनी चाहिए। जय राम जी, मैं ये हमने ठेके पे ले रखी जी जमीन, और इसमें जी सारी पानी ने बर्बाद कर दी सर, यो मतलब जीरी लाई दी थी जी, इसमें बर्बाद कर दी, खर्चा कर दिया जी, बस सारी का नाश कर दिया जी। आन का देखो जी, मौके पर कोई ऐसी बात नहीं है जी। हैं जी, किसकी लापरवाही मानते आप? ये तो बस गवर्नमेंट की है, ये लापरवाही जी। ये तो इसकी समझ देखभाल नहीं करते, नदी वाले जी पानी नहीं छोड़ रही, मतलब सफाई नहीं कर रहे जी, उसकी वजह से हमारी फसल मर रही जी। आन करो देखो जी, 500 किलो मर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ मौज जी की मानना जी, कुछ ना कुछ गरीब आदमी ने मिलना चाहिए जिनका, चलो खर्चा पर्चा जैसा कैसा भी आप की होगी, औसा देना चाहिए जी आपने। मतलब ये गरीब आदमी मर गए ने तो थोड़ा ये मिन्त मजदूरी सारी इसमें कर बैठे जी, कोई जरिया नहीं आया जी कुछ भी। 5-7 किलो में 50-50 हज़ार रुपये खर्चा कर चुके जी, और छक्का अलग जी अलग है जी। तो इन्हें गरीब आदमी ने कुछ ना कुछ तो इन्हें मिलना चाहिए। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।